का जो बयान आया है सर, कैसे देखते हैं कि जेडीयू में बहुत बड़ी टूट जल्दी होने वाली? गृह राज्य मंत्री हवा हवाई नेता है, उनको कोई मतलब नहीं है। अभी इतना भारी भारी सम्मेलन किए वहाँ बापू सभागार में, और जितना नेता मंच पर उतना ही श्रोता, अब वो क्या बोलते कि श्रोता भी हमको सुनने नहीं आ रहा है। इसी तरह का विवादास्पद बयान दे के बाकी खबर नहीं चले, उनका भारी भरकम लाखों की जो भीड़ थी बापू सभागार में उसका कोई चर्चा नहीं हो, थोड़ा सा भी लाज और जिसको आप कहिए शर्म भी नहीं है, घोट के पी गए हैं सब। सर, नित्यानंद राय कह रहे हैं कि पार्टी में जेडीयू में टूट होने वाली है। अच्छा, आपसे ही विवाद बताते हैं कि आप ही के साथ सब नेताओं का विवाद चल रहा है? उनको क्या पता है कि मेरी पार्टी में क्या है नहीं है, वो अपना कहानी बनाते हैं। तो वो अगर ये सब बात नहीं बोलते तो कोई छपता उसका, उस मीटिंग का कोई खबर छपता? कोई खबर तो कहीं चलता नहीं उस मीटिंग का, इसलिए कि उसमें 80 गो 82 गो मंच पर और 82-85 आदमी नीचे, तो टोटल बापू सभागार की क्षमता जान लीजिए, और उनके नेता और श्रोता, वक्ता और श्रोता दोनों को जोड़ के संख्या मिला लीजिए, बराबर बराबर है, जितना वक्ता उतना श्रोता। तो इसी तरह की बात अनर्गल बात कहेंगे नहीं तो फिर मीडिया में छपेंगे कैसे? तो उनको अपने छपने के लिए बोलना है कुछ, उनको बोलते रहने दीजिए। अभी 2024 नजदीक आ रहा है ना, पता चल जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा सर दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में, छोड़िए ना, उनका कोई मतलब ही नहीं। वो तो बेचारा अपना, वो तो अपना बेचारा बार्गेन कर रहे हैं कुछ सीट उठ करके, एक आध दो बढ़ हो जाए, वो बेचारे उसी में लगे हुए हैं। सर, कल की जो आप लोग की रैली हुई, उसके बाद सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप लोग सरकार में है इसलिए दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, सुशील जी के साथ हम लोग की सहानुभूति है। सुशील जी बेचारे दो बात पहले बोल चुके हैं जिसका सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। एक बात उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि बिहार में एक मोदी है ही है तो दूसरा मोदी की क्या जरूरत है। ये दो बात का खामियाजा बेचारे को आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब अभी कुछ बोलेंगे नहीं जब तक तो राज्यसभा का चुनाव का है, इसलिए उनके साथ हम लोग की सहानुभूति है। वो कुछ भी बोलते रहें, हम लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, और सुशील जी को राज्यसभा मिल जाए फिर से, इसकी शुभकामना हम लोग उनको देते हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं। सर, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।